24 साल का राजेश अपनी लाइफ में पहली बार इलाहाबाद स्टेशन आता है। वह स्टेशन के बाहर निकलता है, ऑटो वालों को सीधा रेड लाइट एरिया जाने के लिए बोलता है और वो ऑटो में बैठता है और सीधा रेड लाइट एरिया पहुंच जाता है। रेड लाइट एरिया में उसे लड़कियां दिखाई जाती हैं, उसे कई सारी लड़कियां दिखती हैं, पर वह लगातार सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है। आखिर क्यों? वह किसकी तलाश में है? फिर भी एक दलाल उसे एक लड़की दिखाता है। वह लड़की राजेश को देखती है और आंखें नम कर लेती है। राजेश भी उस लड़की को देखता है और आंखें नम कर लेता है। दोनों कुछ नहीं बोलते। इसके बाद दोनों एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद होता है और वह लड़की सीधा राजेश से लिपट जाती है और लिपट के रोने लगती है। वह लड़की चीख चीख कर रोना चाहती है, पर वह रो नहीं सकती क्योंकि आवाज बाहर न निकल जाए, कोई उसकी आवाज सुन न ले। अब राजेश भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, वह भी रोने लग जाता है। दोनों अब रो रहे थे। अब सवाल ये उठ के सामने आता है, क्या राजेश और वो लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर ये स्टोरी कुछ और है? अगर आपको ये रियल घटना जाननी है तो आपको आज से 15 दिन पहले की स्टोरी समझनी होगी। एक लड़की जिसका एक सुखद परिवार था, एक बच्चा, एक हस्बैंड, एक सास, एक ससुर, बहुत हैप्पी फैमिली, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक कॉल आता है उस लड़की के मोबाइल पर। वो कॉल उसके मायके से था, उसकी माँ का कॉल था। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे भाई की शादी फिक्स हो गई है, एंगेजमेंट है, इस दिन तुमको आना पड़ेगा। लड़की इस बात से बड़ा ही खुश होती है क्योंकि वो भी अपने भाई के लिए काफी दिनों से लड़की ढूंढ रही थी, तो उसे लड़की मिल जाती है। इस बात से वो अभी काफी ज्यादा उत्साहित सी। इसके बाद वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ में टिकट बुक कराती है। टिकट बुक होती है। बाई चांस जिस दिन उनकी ट्रेन थी उस दिन उसका हस्बैंड किसी काम की वजह से फंस जाता है और उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। वह घर तक नहीं पहुंच पाता तो वह अपनी वाइफ को कॉल करके बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाता हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है और मुझे ये काम निपटाना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं एक दिन का काम है निपटा कर मैं सीधा अपने ससुराल पहुँच जाऊँगा। लड़की भी हामी भरती है, बच्चे को घर में ही छोड़ती क्योंकि एक दिन का प्रोग्राम था, एक दिन जाना था, दूसरे दिन वापस आना था, बच्चे का स्कूल था, तो इसलिए बच्चे को साथ में वो लेके नहीं जाती है। बच्चे को अपने सास ससुर के पास छोड़कर वह उस दिन स्टेशन के लिए अकेले निकलती है। टैक्सी में फ़ोन पे बात करती रहती है अपने हस्बैंड के साथ में। वो उसका हस्बैंड भी उसको सारी चीज़ें बताता है क्योंकि यहाँ पर वो लड़की अपने लाइफ में पहली बार अकेले ट्रेन में सफ़र करने वाली थी। उसने आज से पहले ट्रेन में सफ़र नहीं किया था, लेकिन हस्बैंड उसका बता रहा था कि कोई नॉर्मल बात है क्योंकि आप मेरे साथ कई बार आए गए हो तो एक नॉर्मल चीज़ है। पर एक गांव की लड़की, एक छोटे परिवार की लड़की, अभी ही कुछ 2 ही साल हुए थे शादी के, बच्चा भी 1 साल का बच्चा था, तो वो लड़की अकेले ट्रेन में बैठने के लिए निकलती है। घर से स्टेशन पहुँचती है, स्टेशन पहुँच कर अपने पति को दोबारा फ़ोन करती है, बोलती है मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ। लड़का उसे बताता है कि इस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आपको मिलेगी। लड़की उस स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पे जाती है, जाके वेट कर रही होती है। तभी उसका पति भी उस स्टेशन पे आ जाता है। अब स्टेशन पे आने के बाद उसका पति उसे कुछ खाने का सामान वगैरह देता है और बताता है कि यहाँ पे उतरना होगा और बीच बीच में आप कॉल करते रहना, अगर कॉल फ़ोन नहीं लगता है बाई चांस तो आप मैसेज डाल देना अगर कोई बात होती है या टीटी से कोई बात होती है, तो अगर टीटी आएगा चेक करने के लिए तो उसे अपनी टिकट दिखा देना। ये सारी चीज़ें उसको नॉर्मली चीज़ें बताता है। लड़की भी बोलती है कि परेशानी की बात नहीं है, मैंने देखा है, मैं कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, कोई बात नहीं है। लड़का इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि मेरी वाइफ इंडिपेंडेंट हो रही है धीरे धीरे। और ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है, लड़का उसे छोड़ता है, लड़का छोड़कर अपने घर चला आता है। पर यहाँ एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये थी कि उस हस्बैंड वाइफ के बीच में दूर 2 निगाहें उस हस्बैंड वाइफ को घूर रही थी, देख रही थी। ये निगाहें थी उन 2 लड़कों की जिनकी घिनौनी हरकतों ने शर्मसार करके रखा है हमारा पूरा समाज। वो लड़कों ने कुछ ऐसा कांड किया उस लड़की के साथ जो शायद वो लड़की अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। एक अच्छी हंसती हुई फैमिली, उन 2 आंखों ने उस वक्त जो आप बात वो सुन रहे थे लड़की और लड़के की, उस वक्त की बातें
उसे इतना ज्यादा बड़ा जीवन भर का अपमान, जीवन भर का कष्ट दे जाएंगी। उन दोनों परिवारों को ये बात का जरा भी अंदेशा नहीं था। वो लड़के दूर से सुन रहे थे कि लड़की आज अकेले ट्रेवल करने वाली है, उसका पति नहीं है, एकदम अकेली है। अब वो घात लगा के सीधा जिस सीट के सामने वो लड़की बैठी थी, वो औरत बैठी थी, उसी के सामने जाकर बैठ जाते हैं दोनों लड़के। अब दोनों लड़के जो है उस लड़की को देख रहे होते हैं, लड़की को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, तो वो अपनी बुक निकालती है, बुक निकाल के पढ़ने लगती है। तभी लड़की का फोन बजता है, लड़की का फोन में उसके मम्मी का नंबर था। मम्मी पूछती है कि तुम बेटा चढ़ गई हो ट्रेन में, ट्रेन तुमने ले ली है? लड़की बोलती है हाँ मम्मी मैंने ट्रेन ले ली है, मैं आ रही हूँ, सुबह करीबन 6 बजे तक वहां पे पहुंच जाऊंगी, भैया को भेज देना मुझे लेने के लिए। ये बात भी वो लड़के बखूबी सुन रहे थे, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि पूरे रात का हमारे पास टाइम है और हम इस रात के बीच में ही कुछ कांड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लड़के दोनों कुछ कांड करना चाहते थे क्योंकि वो लड़के बार बार उस लड़की को घूर रहे थे, घूर घूर के देख रहे थे। अब उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, वो क्या करने वाले थे और क्यों करने वाले थे? क्या उस लड़की के साथ में कोई संबंध था उन लड़कों का, या फिर वो दोनों लड़के अनजान थे? जहां तक मुझे लगता है कि वो दोनों लड़के बिल्कुल तरीके से अनजान थे। एक अनजान व्यक्ति, जैसे आपकी सीट में कोई एक अनजान व्यक्ति आके अगल बगल में या सामने ट्रेन के सामने बैठ जाता है, एक अनजान व्यक्ति होता है, वैसे ही वो भी एक अनजान थे। अब उन दोनों लड़कों का चालबाजी शुरू होती है, एक स्टार्ट होती है उनकी चालबाजी। लड़की को वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑफर करते हैं, लड़की मना करती है, फिर भी वो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, मंगा के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो बार बार लड़की को बार बार ऑफर करते हैं, लड़की कई बार मना कर चुकी थी इस वक्त। तभी उसके हस्बैंड का कॉल आता है उसपे और हस्बैंड उसको बताता है कि कोई कुछ भी दे तो खाना पीना नहीं, कोई कुछ भी देता है, कुछ भी बोलता है, पानी देता है, कुछ भी देता है, अगर तुम्हारी पानी की बॉटल खत्म हो जाती है तो तुम किसी से सील पैक बॉटल मंगा लो और तुम देखो कि वो सील पैक है, अगर सील पैक ना हो तो उस पानी को फेंक देना, उस पानी को भी मत लेना, नहीं तो तुम खुद उतर कर जल्दी से जाके अगर पास में कोई शॉप है वहां से जाके तुम पानी ले लेना और पानी लेके सीधा आ जाना अगर तुमको पानी की जरूरत हो जाती है तो, पर किसी से कुछ खाना और कुछ लेके पीना तो बिल्कुल नहीं। लड़की समझ जाती है, लड़का बार बार, उसका हस्बैंड उसे बार बार ये बात बोलता है कि कुछ खाना पीना नहीं, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी देता है, चाहे वो कोई लेडी ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पियोगे। लड़की बोलती है अरे हाँ बाबा कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, पर लड़के ये बात भी सुन रहे होते हैं कि ये कुछ खाने पीने वाली अब नहीं है। अब इनकी चाल थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। लड़के अब खाना खाते हैं, अब लगभग 10:30 बज चुके थे रात के, वो लड़के खाना खाते हैं। तभी उस वक्त एक लेडी भी आके बगल में बैठ जाती है, उसका भी परिवार होता है। अब वो लेडी के साथ उस बातें करने लग जाती है। लेडी बोलती है कि मुझे अब सोना है और मैं ऊपर जा रही हूँ सोने के लिए। लड़की बोलती है ठीक है आप तो ऊपर सो जाइए, मैं बगल वाली साइड वाली सीट पर बैठ जाती हूँ। उसकी साइड की सीट थी तो वो अपनी साइड की सीट पर जाके बैठ जाती है। तभी वो लड़के खाना ऑफर करते हैं दोबारा, अपना खाना, या आप शायद आप खाना नहीं लेके आई है, आप हमारे साथ में शेयर कर लीजिए, खाना शेयर कर लीजिए। लड़की इस बार भी मना करती है कि नहीं नहीं मैंने एक टिफिन लाई है पर मैं अभी खाना नहीं चाहती, मुझे भूख नहीं है, मैं खा लूंगी अगर मुझे भूख लगेगी तो। लड़के इस बात पे भी मान जाते हैं वो दोनों लड़के। अब लड़के क्या करते हैं, अब करीबन 2 बज रहे थे, लड़की सो गई थी, लड़के कुछ नहीं कर सकते थे। लड़कों को लग रहा था कि अगर हम इसे कुछ सुलझाते हैं तो भी कुछ गड़बड़ है, और लड़की थोड़ा सा चौंक के उठ जा रही थी, उनको लग रहा था कि ये लड़के चोर है और मेरा सामान चोरी कर लेंगे। तो लड़की जो है वो बार बार उठ जा रही थी, वो बार बार उठ जा रही थी, तो लड़के कुछ सुलझा भी नहीं सकते थे या कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते थे। उनका मेन बेसिकली मकसद था उस लड़की को किडनैप करने का, चोरी वगैरह का मकसद नहीं था। पर लड़की सोच रही थी कि ये लगता चोरी के मकसद से है क्योंकि वो बार बार देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं, बाकी सारी चीजें चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़की को लगा ये लगता है चोरी के मकसद से आए हुए हैं। और उनका रिजर्वेशन भी नहीं था, वो टीटी के साथ में पता नहीं क्या साठगांठ की और उस सीट पे बैठ जाता। इसके बाद वो 3 चाय ऑफर करते हैं। अब हो गया था सुबह के 6 बजे, करीबन ट्रेन लेट थी 2 घंटे। अब 6 बजे पहुंचने वाली ट्रेन पहुंचने वाली थी सुबह के 8 बजे, 6:30 बजे लड़की की नींद खुल जाती है, लड़के भी उड़ जाते हैं। अब उस लड़की को ऑफर करते हैं चाय, ऑफर करते हैं। इस बार वो चाय नॉर्मली ऐसे ऑफर नहीं करते कि आप चाय पी लीजिए, इस बार वो 3 चाय ऑर्डर ही कर देते हैं, सीधा 3 चाय मंगा लेते हैं कि लड़की कुछ कह ही ना पाए।
अब क्योंकि चाय फेंकी जाएगी, तीसरी चाय है, तीसरी चाय हम किसको देंगे, सब सो रहे हैं और कौन पीने वाला है। लड़की को बोलते आप ये फेंकी जाएगी, प्लीज आप पी लीजिए, आप हमारी बहन जैसी है और हम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको पी लीजिए, देखिए सब तो है यहाँ पे, और कोई होता तो हम उनको दे देते, हम इतना चाय नहीं पी पाएंगे, प्लीज प्लीज आप पी लीजिए, और दीदी दीदी करके बोलने लगे। तो लड़की भी थोड़ा सा, अब कोई कितनी बार ही मना कर सकता है, उस लड़की ने करीबन 5 या 6 बार मना कर चुका था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं पीऊंगी, पर लड़के मान ही नहीं रहते, कुछ ना कुछ दे रहे थे। अब यहाँ पर वो दीदी दीदी भी बोल रहे थे। तो उन लड़कों की उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी, उन लड़कों की उम्र भी 20 22 की उम्र थी, 21 22 की उम्र थी, और लड़की की भी उम्र करीबन इतनी ही रही होगी। तो वो किसी भी तरीके से उस चाय को ले लेती है, मजबूरन उसको वो चाय पीनी पड़ती है, और वो चाय पी लेती है जो उसे नहीं पीना चाहिए। ये उसकी पहली सबसे बड़ी गलती थी, पर खैर गलतियां तो हो ही जाती है, वो चाय पी लेती है। इसके बाद उसे हल्का सा घबराहट फील होने लगती है और उसके पसीने आने लगते हैं, फिर उसको नींद सा महसूस होने लग जाता है, थोड़ा सा चक्का सा महसूस होने लग जाता है। तो लड़की बोलती है मेरी तबीयत खराब है, लगता है मेरे को तबीयत थोड़ी मेरी बिगड़ रही है, पर वहां पे भी वो अभी लड़कों की चाल नहीं समझ पा रही कि क्या चाल थी। ये दूसरी गलती थी कि उसने किसी भी अपने अगल बगल की सीट के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोला कि उसके साथ में क्या हो रहा है, उसकी तबीयत कैसी खराब है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। ये उसकी दूसरी गलती थी। देखिए, अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो, अकेले सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो अकेले, और आपके साथ कोई नहीं है, और आपकी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी आपको ऐसा अजीब सा अनुभव होता है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए, अपने अगल बगल के लोगों को अपने घर का नंबर देना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अगर मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है तो मेरे फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करिएगा कि मैं इस जगह पे हूँ और ऐसा ऐसा है, ये सारी चीजें। कम से कम 2 से 3 लोगों को आप अपने फैमिली का नंबर जरूर दे दें। यहाँ पर उस लड़की ने ये भी गलती की थी कि उसने किसी को भी नहीं बताया और उसकी आंख लगती है और वो तुरंत सो जाती है। अब जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो पाती है कि वो ट्रेन में नहीं है, वो एक कमरे में बंद है और कमरे में कोई है नहीं। उसे बड़ा अजीब सा लगता है और वो दौड़ के कमरे के बाहर जाती है, गेट खोलने की कोशिश करती है, गेट खटखटाती है, आवाज लगाती है, पर कोई भी गेट खोलने वाला नहीं था। ऐसे करीबन पूरा 1 दिन गुजर जाता है, गेट नहीं खुलता। करीबन 3रे दिन के शाम के समय में गेट खुलता है और लड़की क्या देखती है कि वो रेड लाइट एरिया पहुंच चुकी है। अब लड़की को कुछ समझ में नहीं आता, उसने अपने लाइफ में पहली बार ऐसी जगह देखी थी, उसने टीवी और फिल्मों में देखी जरूर थी, पर रियल टाइम में उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है उसने कल्पना भी नहीं किया था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर क्या हो गया, उन दोनों लड़कों की दुश्मनी क्या थी। उन दोनों लड़कों ने सिर्फ 40,000 रुपए में इस लड़की को बेच दिया, रेड लाइट एरिया ले आके बेच दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रेड लाइट एरिया उस लड़की को सुबह के टाइम, 7 बजे सुबह के टाइम कैसे रेड लाइट एरिया लेके आ गए, वो आखिर कैसे लेके आ गए। तो हुआ ये था कि वो लड़की कुछ ना कुछ होश में थी, ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से बीमार थी, पर वहां पे आराम से उसको टांग के अपने हाथ में लेकर आ रहे थे, और क्योंकि वो साड़ी वड़ी पहनी हुई थी तो वो बताया कि मेरी वाइफ है और मेरे वाइफ की तबीयत खराब हो गई है और मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, और भी लोगों की हेल्प ले ली, अगल बगल के लोगों की हेल्प ले ली, और उस हेल्प से वो स्टेशन के बाहर निकलते हैं। स्टेशन के बाहर निकलने के बाद वो ऑटो लेके सीधा रेड लाइट एरिया में ले जाके उस लड़की को भेज देते हैं। अब वो स्टेशन कौन था ना वो लड़की बता पाई, ना उन लड़कों का पता चल पाया कि वो लड़कों ने कहाँ से, किस स्टेशन से उतारा और किस स्टेशन से इलाहाबाद तक कैसे पहुंचा दिया, इलाहाबाद के रेड लाइट एरिया तक कैसे पहुंचा दिया, ये तो सिर्फ वो लड़के ही जानते हैं और कोई जानता नहीं होगा। इसके बाद वो लड़की कई बार मना करती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, कस्टमर लाए जाते हैं उस लड़की के लिए कि तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ और कस्टमर करो, तुम्हारा अब यही काम है, तुमको यही रहना होगा। लड़की मना करती है, बोलती है मैं ये काम नहीं करूंगी, मेरी फैमिली है, ये है वो है। लड़की को बहुत मारा जाता है, हर रोज उसे मारा जाता है, खाना नहीं दिया जाता, उसे सोने नहीं दिया जाता, उसके साथ जो जो अत्याचार किया जा सकता था वो अत्याचार उस लड़की के साथ में किया जाता है। पर लड़की अब 14 दिन तक उस नर्क में थी, पर उस लड़की ने किसी भी कस्टमर को हाँ नहीं बोला था,
रोया था। जितनी बार भी कस्टमर उसके पास आता था, मजबूरन वो लड़की खड़ी तो हो जाती थी, पर जैसे ही कस्टमर उसके पास आता था, उसको सेलेक्ट करता था, तुरंत वो रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, और बहुत, ताकि वो कस्टमर भाग जाता था, वो कस्टमर मना कर देता था कि मैं नहीं करूँगा, ज़्यादातर कस्टमर मना कर देते थे। इस बात से वो औरत जो वहाँ की मालकिन थी, वो औरत बहुत खफा होती थी, उसे बहुत मारा जाता था, उसे बहुत पीटा जाता था, खाना भी नहीं दिया जाता था, और तो और इतने से भी मन नहीं भरता था उनका, तो गरम करके, लोहे को गरम करके बॉडी के कुछ जो पार्ट्स के सामने नहीं दिखते हैं, जैसे जांग हो गई, जांग के थोड़ा सा साइड हो गए, यहाँ पर गरम करके लोहे को सटाया जाता था, नाखून तोड़ दिए जाते थे। इतना ज्यादा अत्याचार उस लड़की के साथ हुआ, पर उस लड़की ने हार नहीं मानी। एक दिन ऐसा होता है कि वो हार मानती है, आज करीबन 14वां दिन था जैसा मैंने बताया, पर लड़की की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी, शायद ही किसी और की अच्छी, मैं पूरी अच्छी नहीं बोल सकता, पर यहां पर थोड़ी सी लड़की की किस्मत अच्छी हुई, वहां तक पहुंची है। ये तो उसकी बहुत, उसका बहुत बैड लक था कि वो औरत वहां तक पहुंच जाती है, एक हंसता खेलता परिवार उसका खत्म होने के कगार पे आ जाता है, उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर यहाँ पर एक बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक घटना होती है। उस एरिया के एसपी साहब को पता चलता है कि कोई लड़की है जो किडनैप हुई है, जिसकी जिसका एफआईआर लिखाया गया, ये वो लड़की नहीं है, जिसका एफआईआर लिखाया गया वो हाई प्रोफाइल लड़की है और उसका किडनैप हुआ है। तो लड़के को उस एसपी साहब को लगता है, उस जो इलाके के एसपी थे उन्हें लगता है कि हो सकता है कि ये इस रेड लाइट में किसी ने किडनैप करके बेच दिया होगा, तो वो रेड डालते हैं। तो रेड वो डायरेक्टली नहीं डाल सकते, तो वो मुखबिर भेजते हैं। तो वो मुखबिर जो है वो जाता है, सेलेक्ट करता है नई लड़की, क्योंकि उन्हें पता होता है कौन नई लड़की है, कौन पुरानी लड़की है, क्या है, क्योंकि वो रेगुलर आते जाते लोग हैं, और वो इन्फॉर्मर था एसपी का। तो बाई चांस वो उस लड़की से मिल टकरा जाता है, और वो लड़की उस लड़की को मना करती है, और लड़का वो झट से समझ जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, और लड़का तब भी नहीं मानता, तब भी बोलता है मैं इसको लेके जाऊंगा, पैसे ले देता है और सीधा कमरे के अंदर चले जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद लड़की फूट फूट कर उस आदमी के सामने रोने लगती है कि भैया मेरा घर परिवार है, ऐसा ऐसा था, मैं ट्रेन में थी, मुझे पता नहीं किसी ने किडनैप किया, किडनैप करके मुझे यहाँ लेके आ गए, ऐसा ऐसा है, मुझे प्लीज आप बाहर निकाल दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मेरा बच्चा इंतजार कर रहा है, मेरा पति इंतजार कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, हाँ मेरी हंसती खेलती फैमिली है, भैया प्लीज मुझे मत करिए, मुझे ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, अपने घाव भी दिखाए कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। लड़का बोलता है ठीक है आप परेशान मत हो, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है, और लड़का तुरंत बोलता है ये मेरा मोबाइल है, आप इस मोबाइल से अपने हस्बैंड को कॉल करो, अगर नंबर याद है तो। लड़की बोलती है मुझे नंबर याद नहीं है, पर मुझे अपने हस्बैंड का नाम याद है, फेसबुक आया याद है। तो वो तुरंत उसी वक्त फेसबुक पे मैसेज करता है लड़के उसके हस्बैंड को, उसका हस्बैंड मैसेज को 2 दिन बाद सीन करता है। 2 दिन बाद सीन करने के बाद उससे वो नंबर लेता है, नंबर लेने के बाद उसे कॉल करता है, कॉल करके वो आदमी उस हस्बैंड को बताता है कि आपकी वाइफ इलाहाबाद के रेड लाइट एरिया में आ चुकी है, वो फंसी हुई है और वो वहां से निकलना चाहती है। अब यहाँ पर एक बात ये होती है कि उसका हस्बैंड चाहता तो आप उसे छोड़ सकता था, क्योंकि उसे वो बात सुनने को मिल गई थी जो शायद ही किसी हस्बैंड को पचता है, कि उसकी वाइफ 15 दिन तक रेड लाइट एरिया में है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। पर यहाँ पे हस्बैंड बोलता है नहीं, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, और वो कुछ सोचता नहीं है, बिना किसी को घर पे बताए, ना किसी फैमिली को, ना अपने किसी मेंबर को बताए, किसी को नहीं बताता है, तुरंत टिकट बुक करता है, टिकट बुक करके, टिकट भी नहीं, एक्चुअली टिकट भी नहीं बुक करता है, तुरंत ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में बैठ कर वो सीधा इलाहाबाद स्टेशन होता के ऑटो वाले से रेड लाइट एरिया जाने के लिए बोलता है, जो कि कहानी मैंने आपको पहले बताई थी कि सेम वही कहानी है। रेड लाइट एरिया पहुंचता है, उसके बाद वो अपनी वाइफ को देखता है, वाइफ की आंखें और उसकी आंखें दोनों नम हो जाती है, वो कमरे के अंदर जाते हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट था कि वो लड़का पहले से एसपी साहब के ऑफिस जाता है, पहले और एसपी साहब के ऑफिस जाता है, एसपी साहब उसे जीपीएस ऑन करने के लिए बोलते हैं, जीपीएस ऑन होने के बाद वो उस कमरे में जाता है जिस कमरे में उसकी वाइफ थी, उस कमरे में रेस्क्यू होता है, पूरी फोर्स उस रेड लाइट कोठे में जाती है, और उसके बाद में उसको रेस्क्यू किया जाता है, उसको बचा लिया जाता है वहां से। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसका पति बहुत अच्छा था, पर ना जाने कितनी और औरतें हैं जो इस
जाल में फंसी हुई है, जो उससे निकलना चाहती है पर उससे निकल नहीं सकती, क्योंकि रेड लाइट एरिया कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एंट्री तो बड़ा आसान है, यहाँ पे एंट्री हो जाती है बहुत ही आसानी से, पर एग्जिट बहुत मुश्किल से होता है। आप बाहर बहुत मुश्किल से निकल सकते हैं, हो सकता है आप पूरी लाइफ उस दलदल से, उस नर्क से आप बाहर ना निकल पाए। तो ये थी एक सच्ची घटना जो मैं आपको उस बता रहा था। अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं मिलूंगा अगली स्टोरी में आपके साथ। धन्यवाद।